सरगरा समाज ने आज जिला मुख्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। खेवंदी के मामले को लेकर था विरोध। पाली जिला मुख्यालय पर आज सरगरा समाज द्वारा जिला मुख्यालय पर आक्रोश रैली निकाली गई। गौरतलब रहे कि जिले के खेवंदी गांव में राजपूत समाज के युवकों द्वारा सरगरा समाज के युवक युवतियों पर किए गए हमले और महिलाओं के साथ हुई मारपीट को लेकर आज सरगरा समाज का विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा। आज सूरज बॉल चौराहे से लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस तथा अन्य जगहों से होकर रैली निकाली गई तथा धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। उसके बाद सैकड़ों की तादाद में समाज बंधुओं ने जिला कलेक्टर और पाली पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा और साथ ही कहा कि हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज जिले भर में सरगरा समाज के समाज बंधु प्रातः से ही जिला मुख्यालय पर एकत्रित होना शुरू हो गए थे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन को मद्देनजर रखते हुए भी हर जगह अलर्ट नजर आया। आज जो ज्ञापन दिया गया है सरगरा समाज द्वारा, वो किस बाबत दिया गया है? खेवंदी गांव में दलित समाज के साथ में जो मारपीट हुई और घर में घुसकर सामंतवादी ताकतों ने घर में घुसकर जो बुरी तरह से बर्ताव किया, उनको महिलाओं को मारा पीटा, लड़कियों के बच्चों के साथ में जास्ती हुई, आदि बुजुर्गों को मारा पीटा और पाली हॉस्पिटल के अंदर उनका जो जिस पैर में फ्रैक्चर है उस पैर का एक्सरे नहीं कर रहे और दूसरे पैर का एक्सरे कर रहे, जिस पे हाथ में फ्रैक्चर है उसका नहीं कर रहे, दूसरे हाथ का कर रहे, तो हमने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और उसमें मांग की कि अगर सप्तेभर में अगर मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, उसकी तमाम जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। उसके अलावा एक ऐसा ही थानेदार भी था जो कालंद्री में लगा हुआ था, तो वो उनको उकसा रहा था, उकसा कर उन महिलाओं के साथ वो गत की आप देख तक नहीं सकते, कांप जाओगे।